हे गाइस, वेलकम एंड वेलकम बैक अगेन। आज मैं अगेन आपके साथ मीशो हॉल शेयर करने जा रही हूँ एंड ये वाले वीडियो ना आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल होने वाले हैं, बिकॉज इसमें मैं आपके डिमांड पे रीसेलिंग हॉल भी कर रही हूँ। यानी जो भी आउटफिट आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ वो सभी रीसेलिंग में भी अवेलेबल है। अगर आपको पसंद आता है जैसे स्क्रीन शॉट लीजिए एंड मुझे इंस्टाग्राम पर DM कीजिए, रीसेलिंग प्राइस मैं साथ में ही शेयर कर दूँगी। एंड पेमेंट आपको ऑनलाइन पेमेंट करना होगा, आप गूगल पे, फ़ोनपे, पेटीएम कुछ भी कर सकते हैं। सो अगर आज की वीडियो आपके लिए हेल्पफुल होती है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करके पास का नोटिफिकेशन बेल को हिट करना बिल्कुल ना भूलिएगा। एंड मुझे इंस्टाग्राम पे भी ज़रूर फॉलो कीजिएगा, मेरा इंस्टाग्राम हैंडल भी आपको साइड में शो हो रहा है एंड साथ में इसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने दे दिया है। तो चलिए, जो सबसे पहला आउटफिट है गाइस, ये एक सरारा सेट है और इसमें आपको 3 कलर के ऑप्शन मिलते हैं, उसमें से मैंने एक पिक किया हुआ है। साइड में से गाइस मैं पिक्चर भी शेयर कर दे रही हूँ ना, सो दैट आपको एग्जैक्टली जो आपको पता चल जाए। एंड यस, ट्राई ऑन तो ऑब्वियसली होगा, मेरे पास XL साइज़ में है। अगर आपको XL साइज़ में आप कंफर्टेबल हो तो आप मेरे से लेना चाह रहे हैं, ले सकते हैं। तो सबसे पहले आप इसका दुपट्टा देखिए, बहुत ही क्यूट सा एंड सिंपल सा, कह सकते हैं कि वेडिंग गेस्ट के पर्पज से बहुत ही अच्छा है। बहुत ही लाइट स्काई ब्लू कलर का ये दुपट्टा देखिए, एंड इसी पे ना वर्क हो रखा है जरी का, देख सकते हैं। मैंने पिक्चर में देखा था ना, सेम टू सेम मुझे रिसीव हुआ है। एंड इसके साइड में आप देखो पर्ल का भी वर्क हो रखा है ना, सुंदर लग रहा है। एंड दुपट्टे की जो लेंथ है गैस, ये आपको ना अप्रॉक्स 2.5 मीटर मिलती है। विड्थ भी आप देखेंगे ना, विड्थ भी काफ़ी इसकी अच्छी होगी, यानी पूरा आपको अच्छा एक प्रॉपर वेडिंग गेस्ट लुक देगा। एंड थोड़ा हैवी भी है इस, क्योंकि इसमें पर्ल का वर्क हो रखा है ना, तो काफ़ी अच्छा लग रहा है। एंड इसका सरारा गैस आप देखो, सरारा भी ना, एंड यह आप लोग पूछोगे क्वालिटी कैसी है, गैस क्वालिटी ना इसकी बहुत ही अच्छी है। डेफिनेटली आप अगर परचेज करें तो आपको ज़रूर पसंद आएगा। ऊपर में देखिए इलास्टिक दी गई है, अच्छी क्वालिटी का, एंड काफ़ी चौड़ा वेस्ट बैंड दिया। ओके, एंड इस पर भी आप देखो किस तरह से इस पर गोटापत्ती का वर्क हो रखा है, जिग जैग वाले गोटापत्ती का। फ्लेयर भी इसका देखो कितना ज़्यादा है, अंदर में एक लाइनिंग भी दे रखी है इस तरह से, सैंडटोन का फैब्रिक यूज किया हुआ है। एंड प्रॉपर इंटरलॉक भी है, यानी जो ये फैब्रिक है ना ये निकलने का नहीं। ओके, तो ये देखो, ये हो गया आपका सरारा। एंड इसका लुक आप ट्रायन में देख सकते हैं, ट्रायन में इसका लुक भी मैं शेयर कर रही हूँ। ये गैस राउंड नेक में आप देखो जरी का वर्क हो रखा है यहाँ पे, एंड पूरे पे ना सिक्वीन एंड थ्रेड का वर्क हो रखा है। नीचे में भी देखो कितना प्यारा सा वर्क हो रखा है, साथ में यहाँ पे ये वाले लेस की डिटेलिंग भी दे रखी है। ओके, ओवरऑल बहुत ही प्यारा सा है ये। एंड फैब्रिक भी इसका जॉर्जेट का फैब्रिक है, अच्छी क्वालिटी वाला है। बैक साइड देखिए, बैक साइड पूरा सिंपल गिवेन है, स्लीव्स आपको फुल स्लीव्स मिलती है, एंड ये पूरा सिंपल है। एंड यहाँ पे भी लेस की डिटेलिंग दे रखी है। ओके, सो यस, इसे मैं हाईली रिकमेंड करूँगी, आप डेफिनेटली चेकआउट कीजिएगा। एंड रीसेलिंग में लेना चाहते हैं तो रीसेलिंग में भी ले सकते हैं। नेक्स्ट वन गाइस, ये एक ना फ्लोरल प्रिंट में साड़ी है, जो कि फेयरवेल के लुक से एंड इस तरह से आप सिंपल अगर लुक, अगर गर्ल्स के लिए स्पेशली काफ़ी अच्छा होगा। कलर आई थिंक कलर ऑप्शन भी अवेलेबल है, मे बी कलर ऑप्शन ना अवेलेबल है बिकॉज डिज़ाइनर में आई थिंक अवेलेबल नहीं होते। जो भी है आप एक बार जरूर चेक करिएगा। फिलहाल मेरे पास ये ना पिंक कलर में है, लाइट पिंक इस कलर में, गाजरी कलर जो आप कहते हो। तो गैस ये ना साड़ी बहुत ही सिंपल सी है, प्रिंटेड में है एंड साथ में ना रियल मिरर का वर्क हो रखा है। देखो बॉर्डर पर कितना सुंदर सा रियल मिरर का जरी का वर्क हो रखा है। ओके, पूरे साड़ी पे इसी तरह से ना चारों तरफ आपको ये बॉर्डर दिया हुआ है, बीच में इस तरह से फ्लोरल प्रिंट आएगा। ओके, एंड ये साड़ी मैंने पहन के भी ट्रायल में आपको दिखाया है, होप सो यू गेट दैट कितना प्यारा ये है। एंड नीचे में देखोगे ना पूरा इस तरह से वर्क आएगा, नीचे तक ये पूरा वर्क दिया हुआ है, दिस ये पूरा प्रिंटेड है। क्वालिटी गैस बहुत ही अच्छी है और मुझे बहुत ही ज़्यादा अच्छी लगी। एंड सबसे बेस्ट पार्ट ना, इसका जो ब्लाउज पीस गिवेन है ना वो एकदम हैवी वर्क वाला है एंड आपको भी पसंद आएगा। तो ये देखो, ये इतना फैब्रिक दिया हुआ है ना बैक साइड के लिए एंड स्लीव्स के लिए। ओके, छोटा सा स्लीव्स होगा, ज़्यादा नहीं होगा। तो एंड ये देखो, ये आपको फ्रंट में आएगा, वी नेक के साथ में है, रियल मिरर का वर्क हो रखा है इस पर भी। एंड जो फैब्रिक है गैस, ये ना टाफ्टा सिल्क वाले टाइप का फैब्रिक है, साइनी वाला फैब्रिक है। ओके, इसमें लाइनिंग तो नहीं दिया हुआ है बट ओवरऑल काफ़ी अच्छा लग रहा है एंड आपको भी ज़रूर पसंद आएगा। तो इससे गैस मैं तो हाईली रिकमेंड करूँगी बिकॉज एवरीथिंग इसकी काफ़ी अच्छी आई है, खास करके इसकी जो फैब्रिक है ना काफ़ी अच्छी वाली यूज़ की गई है, मतलब सॉफ्ट है, साथ में ना एकदम
सिल्की टाइप का लग रहा है, बट ये सिल्क नहीं है, जॉर्जेट का फैब्रिक है। तो डेफिनेटली आप इसे चेकआउट कीजिएगा, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, एंड अगर रीसेलिंग में लेना चाहते हैं तो रीसेलिंग में भी ले सकते हैं। नेक्स्ट वन गाइस, मैंने ना एक लहंगा लिया, ब्लैक कलर का लहंगा एक्चुअली, और मुझे जो रिसीव हुआ उससे मैं बहुत ही ज़्यादा डिसअपॉइंट हुई। मे बी ऐसा आपको ना रिसीव हो, क्योंकि मुझे नहीं पता क्यों, क्या रीज़न है। तो सबसे पहले मैं आपको शेयर कर दूँ, ये देखो ये ब्लाउज का फैब्रिक मुझे मिला है, एंड इस पे ना सीक्वीन के साथ में ना वाइट कलर के थ्रेड का वर्क हो रहा है। ओके, जैसे पिक्चर में था सेम टू सेम वर्क रिसीव हुआ है मुझे, इतना है और ये फैब्रिक है। ओके, एंड स्लीव्स के लिए भी ना आप देखोगे, स्लीव्स के लिए भी इस तरह से फैब्रिक की हुई है, ये रहा फ्रंट में ये फैब्रिक आएगा, एंड इस तरह से देखो ठीक है, ये स्लीव्स पे आएगा। एंड इसके बैक साइड के लिए ना मुझे फैब्रिक तो नहीं मिला, बट उसी में हो जाएगा आई थिंक सो, बट आपको मैं दिखाती जा रही हूँ, आपको समझ में आएगा कि मुझे क्या रिसीव हुआ है। दुपट्टे के लिए ना इस तरह से ये फैब्रिक मिला है, एंड दुपट्टे की जो लेंथ मैं बताऊँ ना तो ये 2 मीटर है, एंड विड्थ अच्छी दे रखी है। साथ में आप देखो इस तरह से थोड़ा सा कर्वी लेकर के ये डिज़ाइन पैटर्न बना हुआ है, बट आप देखोगे ना दुपट्टे के पर्पज़ से देखा जाए तो ये जैसे लग रहा है ना कपड़ा काट के दे दिया है। हैव अ लुक, इसमें इंटरलॉकिंग या कुछ भी इस तरह से नहीं दिया हुआ है। तो ये तो दुपट्टे का फैब्रिक रिसीव हुआ, और नीचे जो लहंगा है ना उसके लिए जो फैब्रिक रिसीव हुआ वो भी इसी तरह से सिंपल सी साड़ी की तरह मुझे रिसीव हुआ। ये बिल्कुल भी स्टिच ही नहीं है, थोड़ा सा भी स्टिच नहीं है। यू कैन इमेजिन कि ये कितना डिसअपॉइंट किया। तो इस टाइप से देखो, एंड वर्क गाइस सच में सेम है जैसा मैंने देखा, एंड ये फैब्रिक दिया हुआ है ना, ये फैब्रिक टोटल आपको 3 मीटर के अप्रॉक्स में ये फैब्रिक है। बट भाई जब सब कुछ मुझे ही करना है तो मैं इतना पे क्यों करूँगी। ओवरऑल क्वालिटी अच्छी है, एंड वर्क भी काफ़ी अच्छा वर्क हो रखा है। तो पता नहीं, हो सकता है रखा हुआ हो, ऑर्डर मिला हो और डायरेक्ट मेरे पास भेज दिया गया हो, मे बी ऐसा हुआ हो। तो भाई अच्छा है ओवरऑल, बट आपके ऊपर डिपेंड करता है आप इसे लेना चाहते हैं या नहीं। बट मुझे जो रिसीव हुआ वो मैंने आपके साथ शेयर किया। तो नेक्स्ट वन जो है ना, ये भी एक लहंगा है, इसका कलर ना आई थिंक ब्लू कलर वाला ना मैंने आपके साथ शेयर किया हुआ था। ये देखो, कुछ याद आया, अगर आप मेरे रेगुलर व्यूवर्स होना तो आपको पता होगा, अभी मैं कुछ ही टाइम पहले मैंने ये वाला वीडियो शेयर किया था, और इसका कलर दूसरा था उसमें, और ये मैंने पिंक वाला, डार्क पिंक कलर का ये वाला लहंगा पिक कर लिया। तो इसमें ना आप अलग अलग सेलर के पास अलग अलग टाइप का देखोगे, बट जो क्वालिटी है मुझे सेम रिसीव हुई है। तो देख सकते हो ये वाला कलर, एंड दुपट्टा आपको निट का फैब्रिक का साथ में इस तरह से साइड में बॉर्डर, ये सेम वैसे ही है दुपट्टा, पूरा 2.5 मीटर का आपको मिलेगा। एंड लाइनिंग के लिए भी कपड़ा मिलेगा, बैक साइड के लिए भी पूरा कपड़ा गिवन है। एंड लहंगा जो है ना वो आपको सेम ही स्टिच मिलेगा, सेम ही स्टिच, और देखो इस टाइप से बेल्ट पे वर्क आएगा, एंड ओवरऑल इस तरह से वर्क आएगा पूरे पे। नीचे में भी काफ़ी अच्छा वर्क दिया है, लाइनिंग में आपको सिंगल एक वो सैंटीन वाले फैब्रिक की लाइनिंग मिलेगी, और इसमें कैन कैनवास कुछ भी नहीं होगा, बट फ्लेयर इसका 3 मीटर के अप्रॉक्स में फ्लेयर दिया हुआ, फ्लेयर काफ़ी अच्छा आ रहा है। अगर इसके नीचे कैन स्कर्ट वियर करते हैं तो डेफिनेटली काफ़ी अच्छा आएगा। नेक्स्ट वन गाइस, ये ना मैंने एक रीसेलिंग के पर्पज़ से भी बनाया है, इसका वीडियो मैंने आपके साथ पहले शेयर किया हुआ है, अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा तो आप देख सकते हो। एंड ये देखो, ये इसका ब्लाउज का फैब्रिक है जो कि गोल्डन कलर सिक्विन का वर्क के साथ में है। ये एक साड़ी है, बैक साइड के लिए इस तरह सिंपल कपड़ा मिलता है आपको। ओके, एंड लाइनिंग के लिए भी कपड़ा दिया हुआ है सैटिन के फैब्रिक का। एंड ये साड़ी है जो कि आप देख सकते हो ब्लैक कलर में है, एंड आई थिंक फेयरवेल के पर्पज़ से देखा जाए या फ्रेशर के पर्पज़ से देखा जाए तो गर्ल्स के लिए बेस्ट ऑप्शन है ब्लैक कलर साड़ी। एंड इस पर ये बॉर्डर जो है ना मैंने 2 तरह से देखा, एक में क्या था ना कि ये जो वर्क है ना ये पूरा सिक्विन का वर्क होता है, और एक जो मेरे पास अभी है ना इसमें ना ये जरी का सिक्विन का दोनों का मिक्सअप कॉम्बिनेशन है, यानी सिंपल शोबर के साथ में ना हाईलाइटेड वाला भी लग देगा। तो ये इस टाइप का ये साड़ी है, पूरी साड़ी पे आपको ये ब्लैक कलर की
सिक्विन के साथ में लाइनिंग में आपको वर्क मिलेगा। पूरी साड़ी ऊपर नहीं कर रही हूँ, इसका फुल वीडियो आप मेरे चैनल पे देख सकते हो, मैंने रिसेंटली ही अपलोड किया है। तो ये भी रीसेलिंग में है गैस, अगर लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं। रीसेलिंग प्राइस भी मैं स्क्रीन पे शेयर कर रही हूँ, तो अगर आपको पसंद है तो आप ले सकते हैं मेरे से। नेक्स्ट वन गैस, ये एक ना 3-पीस सेट है, जैकेट वाला और प्लाजो सेट है कह सकते हो। और ये मेरे पास में ना एक्स्ट्रा स्मॉल लिखा है, बट स्मॉल वालों के लिए परफेक्ट आएगा क्योंकि ये मुझे भी थोड़ा सा ना लूज पड़ रहा है। ओके, तो ये वाला इसका क्रॉप टॉप है जो कि बहुत ही खूबसूरत लग रहा है। पूरा भी इतना सुंदर एम्ब्रॉयडरी हो रखा, अगर आप क्लियर से देख पा रहे हो तो देख सकते हो, बहुत ही सुंदर इसकी एम्ब्रॉयडरी हो रखी है। एंड बैक साइड इसका सिंपल है बिकॉज ऊपर से जैकेट है तो इसका कोई मतलब नहीं होता पीछे बैक साइड में। एंड प्लाजो आप देखोगे ना, प्लाजो का फ्लेयर भी काफ़ी ज़्यादा है। एंड इसका जो कलर है लाइट पिंक कलर है, एंड फ्लेयर आप देखो, फ्लेयर भी काफ़ी ज़्यादा है। एंड फ्रंट में बेल्ट वाला पैटर्न है एंड बैक साइड में इलास्टिक पैटर्न। ओके, ये मेरे पास रीसेलिंग में अवेलेबल है बिकॉज आपकी डिमांड थी कि रीसेलिंग हॉल, तो मैं मंथ में ना एक रीसेलिंग हॉल कर दिया करूँगी। तो अगर आपको उसमें से कोई भी आउटफिट पसंद है तो आप ले सकेंगे। ओके, तो आपकी डिमांड थी इसलिए मुझे लाना पड़ा। और ये इसका ओवर कोट है जो कि इस टाइप से है। ओके, बेल स्लीव्स है, डबल बेल स्लीव्स। जब इसको आप परफेक्ट फिटिंग करवाओगे तो काफ़ी अच्छा लुक देगा। इस पर भी वर्क काफ़ी अच्छा हो रखा है, सिक्विन एंड थ्रेड का पूरे पे आप देखो वर्क हो रखा है। ओके, एंड फ्रंट में ना इस तरह से डोरी भी आपको मिल जाएगी सो दैट आप प्रॉपर एक अपना लुक क्रिएट कर पाओ। एंड हाइट एवरीथिंग काफ़ी अच्छी है। इस जैकेट की जो लेंथ है ना पूरा आपको फ्लोर लेंथ तक आएगा, फ्लोर नहीं थोड़ा सा ऊपर ही आएगा। तो परफेक्ट है गैस एक अगर वेडिंग गेस्ट के लिए पर्पज से, गर्ल्स के लिए स्पेशली काफ़ी अच्छा है। तो ये अगर लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं, जस्ट स्क्रीनशॉट लीजिए और मुझे इंस्टाग्राम पे डीएम करिए। ओके, नेक्स्ट वन गैस, ये एक ना लहंगा है, सेमी स्टिच लहंगा है। बहुत पहले मैंने आपको रिसीव किया था, अभी मैं गांव गई थी ना तो मैं वहाँ से लेकर के आई इसे। ब्लाउज़ आप देख सकते हैं, इसका फुल वीडियो ना मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी, वहाँ से आप चेक कर लेना। तो ये जो मैंने लिया था ना, ये मैंने इंडियन रानी से लिया था और अभी तक मैंने इसे रखा था संभाल के। एंड फैब्रिक एवरीथिंग काफ़ी अच्छी है। ओके, एंड गैस फ्री साइज़ में है, अगर आप हेल्दी हो ना तो भी आराम से आपको आ जाएगा। ऐसा नहीं है ना कि हेल्दी हो तो आपको आएगा नहीं, ये कट पीस में है। लेट मी शो यू, देखो ये बैक साइड में आएगा। ओके, ये बैक साइड में आएगा। एंड स्लीव्स के लिए आप इसमें डिज़ाइनर स्लीव्स लगवा सकते हैं, निट के फैब्रिक का डिज़ाइन लगवाना चाहते हैं तो भी लगवा सकते हैं। बेल्ट के लिए आपको कुछ इस टाइप से ये फैब्रिक बन दिया हुआ है, आप इस पर बेल्ट बनवा सकते हैं अपनी साइज के अकॉर्डिंग। ओके, ये फास्ट मिरर वर्क का लहंगा है, सो इसे आप ड्राई क्लीन करवाएं और घर पे धुलने की कोशिश बिल्कुल ना करें, क्योंकि घर पे अगर आप क्लीन करवाते हैं ना तो ये पेपर मिरर ना ख़राब हो जाते हैं। तो आप ड्राई क्लीन ही प्रेफर करें, जितने भी आपके पास आते हैं ना इस तरह से पेपर मिरर वाले, उसको आप ड्राई क्लीन ही करवाएं बेस्ट होगा। ये इसका दुपट्टा है, तीन कलर के कॉम्बिनेशन में, लाइट डार्क एंड देन येलो, इस तरह से तीन कलर के कॉम्बिनेशन में पूरा दुपट्टा है। एंड बॉर्डर इसके चारों तरफ चौड़ा सा भी है एंड पूरे दुपट्टे पर इस तरह से पतला सा वर्क है। ओके, ये दुपट्टा हो गया जो कि नेट के फैब्रिक का है, नेट की क्वालिटी काफ़ी अच्छी है गैस। एंड साथ में ये इसका लहंगा है, लहंगा भी गैस आपको लाइट क्रीम कलर जैसा मैंने पिक्चर में देखा था सेम टू सेम आया था। एंड देख सकते हो इसमें आपको पूरा बेल्ट पे भी काफ़ी अच्छा वर्क दिया है। एंड वेस्ट साइज 34 to 36 प्रॉपर आएगी। एंड पूरे पे आप देखो फास्ट मिरर का वर्क हो रखा है, मल्टी कलर थ्रेड वर्क के साथ में है, नीचे में इस तरह से पिंक कलर के कॉम्बिनेशन के साथ में। ओके, एंड अंदर में देख लो आप, लाइनिंग भी दे रखी है, कैन कैन भी अच्छा वाला दे रखा है, देन एक और लाइनिंग है इस तरह से। ओके, इस तरह से इसमें गिवन है। ओके, ओवरऑल लहंगा का जो लेंथ है वो भी काफ़ी अच्छा है। फ्लेयर गैस आप एक अंदाज़ा नहीं लगा सकते हो, फ्लेयर इसका 3-3.5 मीटर के अप्रॉक्स में इसका फ्लेयर है। ओके, फ्लेयर काफ़ी अच्छा आएगा जब ये पूरा बन के आएगा, ऐसे तो बिल्कुल भी पता नहीं चलता किसी भी लहंगे का। ओके, तो बनने के बाद ही लहंगा काफ़ी अच्छा लगता है। तो ये भी रीसेलिंग में है, प्राइस अप्रॉक्स मुझे 3000 के अप्रॉक्स में वेबसाइट से पढ़ा था,
बट मीशो पे क्या है, मीशो पे प्राइस 1700 समथिंग का मुझे दिखा, तो 1500 में ना मैंने इसे रीसेलिंग प्राइस रखा है। अगर आपको पसंद आता है तो ले सकते हैं। नेक्स्ट वन गाइस, ये अगेन एक पीच कलर का लहंगा है जो कि मेरे पास अभी है। नेट का फैब्रिक का ये लहंगा है एंड हैव अ लुक, इस टाइप से ये है। ओके, ये बैक साइड में आई थिंक आएगा और ये स्लीव्स पे आएगा। पूरा ये इसका फैब्रिक दिया हुआ है। ओके, एंड ये आपको फ्रंट में आएगा। फ्रंट में भी आपको काफ़ी अच्छा वर्क दे रखा है। ये आपको फ्रंट में आएगा। ओके, फ्लोरल एम्ब्रॉयडरी हो रखी है इस पर एंड लाइनिंग भी आपको दी गई है। दुपट्टा भी काफ़ी अच्छा है, हैवी वर्क का दुपट्टा है ये। ओके, नेट के फैब्रिक का दुपट्टा है एंड ये इसका लहंगा है। वर्क देखिए आप, वर्क आपको यहाँ से दिख जाएगा कितना इसका हैवी वर्क का लहंगा है। ओके, इस पर स्टोन पेस्टेड का वर्क हो रखा है, साथ में मल्टी कलर थ्रेड का वर्क हो रखा है। एक थ्रेड तो है नहीं। ओके, लाइनिंग में आपको एक लाइनिंग मिलेगी जो कि सैंटोन का फैब्रिक है। ओके, एंड ये इसी में कैनवास लगा हुआ है। जो मेन फैब्रिक है इसमें भी कैनवास लगा हुआ है। ओके, ओवरऑल फ्लेयर भी काफ़ी अच्छा है। 3 मीटर का इसका फ्लेयर गिवेन है एंड आप देख सकते हो ओवरऑल एक काफ़ी अच्छा है। प्राइस इसका मैंने इस रीसेलिंग प्राइस स्क्रीन पे शेयर कर दिया। अगर आपको ये वाला लेना है तो आप ये वाला भी ले सकते हो। ओके, सो गाइस, आज के हॉल में ये सारे आउटफिट्स थे रीसेलिंग में एंड वैसे भी अगर आपको लेना हो तो आप ले सकते हैं। एंड वीडियो हेल्पफुल हुई तो लाइक कर दीजिए एंड चैनल को अभी तक नहीं सब्सक्राइब किया तो चैनल को भी सब्सक्राइब करके जाइएगा। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक कीप ऑन वॉचिंग एंड कीप शेयरिंग। बाय बाय।